हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं अब हम लोग। बहुत ही बड़ा है, चार पांच लाइन में कंप्लीट हुआ है। एयर इज ए तो कुछ ज्योग्राफी की बातें कर रहे हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छी बात है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमें भी पता है, बट हमारे हिसाब से तो 78 और 21 था, यहाँ पे 20 और 79 दे दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं। बाई वॉल्यूम एट 298 केल्विन, टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, क्या इसको मोल्स ले सकते हैं? है ना, मुद्दा ये है। क्या ऐसा मान सकते हैं कि 20% जो है एक तरह से अपना मोल रेशियो ही है? क्या लगता है? क्योंकि अपने को पता है कि PV इज इक्वल टू nRT, है ना, और टेम्परेचर तो दोनों गैस के लिए सेम है, R तो सेम होता ही है, और प्रेशर जो है आगे जाके लिखा हुआ है कि प्रेशर 10 atm है टोटल मिला के, तो ये तीनों कांस्टेंट होगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n ले सकते हैं। तो ये मान सकते हैं कि ये मोल रेशियो ही है। वॉल्यूम रेशियो एक्चुअल में क्या है? मोल रेशियो। मोल रेशियो मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन। 20% मतलब क्या? 20 मोल इन 100 टोटल मोल्स, तो ये मोल फ्रैक्शन नहीं हो गया? तो बेसिकली इसको अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कोई पूछे तो 79 बोल सकते हैं। 79/100 मतलब 0.79, है ना, मोल फ्रैक्शन 0 to 1 में होना चाहिए, फ्रैक्शन मतलब ही यही होता है। उसके बाद बोलते हैं द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम, तो बोला ये गैसेस जो है ना एक पानी के ऊपर उड़ रहे हैं, और पानी और हवा एक इक्विलिब्रियम में है, प्रेशर है 10 atm। इसका मतलब क्या हुआ? वही पुराना विजुअलाइजेशन, कोई लिक्विड है उसके ऊपर अगर एक से ज़्यादा गैसेस बन रहा है तो सबका पार्शियल प्रेशर अपना अपना होगा, लेकिन टोटल प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है, पी टोटल है अपना 10 atm। ठीक है, इससे हम लोग को इतना ही समझ में आना चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं 298 केल्विन, अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो KH दिया हुआ है। हेनरी लॉ कांस्टेंट सुनते साथ हमारे दिमाग में नेक्स्ट स्टेप आ जाना चाहिए। ठीक है, ये अपना पहला काम हुआ। दूसरा काम अपना ये हुआ कि साहब KH इंटू X होता है किसी भी गैस का प्रेशर उस लिक्विड के ऊपर, ऐसा ही होता है। ठीक है, KH इंटू X, तो हेनरी लॉ भी काम आएगा। देखते हैं, इक्लू ऑक्सीजन दिस इज दिस, तो KH दिया हुआ है दोनों का, है ना। अगर अपने को मोल फ्रैक्शन पता चल जाए, अगर मोल फ्रैक्शन पता चल जाए तो काफ़ी काम बन जाएगा। ठीक है, तो बोला है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर, तो मतलब एक्स निकालना है, ये अपना वेरिएबल रहेगा, और प्रेशर जो है वो अपना जरूर कहीं से निकल के आ रहा होगा, हवा का प्रेशर। तो ये पी कौन सा होता है? हवा पे गैस जो प्रेशर बनाया, लिक्विड के ऊपर गैस जो होगा वो हवा के ऊपर प्रेशर बनाएगा। ठीक है, तो इसके पहले कुछ कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ये 10 atm को यूज़ करना पड़ेगा, ये मोल फ्रैक्शन, ये तो अपने को ना एक तरह से रॉलेट साहब की मदद ले सकते हैं, दे सकते हैं क्या, या फिर नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट का मदद। तो बेसिकली पी टोटल दिया होता है और मोल फ्रैक्शन गैसेस का पता है, तो नॉर्मल अपन मोल कॉन्सेप्ट वाला डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगा सकते हैं, जो बोलते थे कि किसी गैस का प्रेशर टोटल प्रेशर इनटू उस गैस का मोलर मोल फ्रैक्शन होता है। तो फिर से ये नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जो एक्चुअल में इस चैप्टर से देखा जाए तो रिलेटेड तो है ही नहीं। अब जो टोटल प्रेशर है वो 10 atm है। ठीक है, तो अब क्योंकि आगे अपने को दिख रहा है कि mm में है, डेटा दिख रहा है KH mm में है, तो 10 atm को अगर mm में कन्वर्ट कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। हम लोग को पता है 1 atm कितना होता है mm में, 760 mm, तो 10 atm कितना होगा? 10 atm हो जाएगा 7600 mm, तो mm में लेंगे तो यूनिफॉर्म रहेगा कम से कम यूनिट्स, बाद में दिक्कत नहीं आएगा आंसर में। तो टोटल प्रेशर है 7600, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन है 20/100, ये तो इजी कैलकुलेशन है, एटलीस्ट बहुत कम बार ऐसा मिलता है, तो अपना आ गया 1520 mm ऑफ HG। ये किसका है? ये है ऑक्सीजन का। वैसे ही हम लोग क्या नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हैं, हवा में नाइट्रोजन का प्रेशर कितना रहा होगा? बिल्कुल फिर से वही 7600 इंटू नाइट्रोजन का जो भी है मोल फ्रैक्शन, विच इज 79/100। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ऑल दो 80 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो अप्रॉक्स करना, बट ये अच्छा इजी कैलकुलेशन है, इसको नहीं बोल सकते कि बहुत टफ है ना। 6 9 जै 54, तो लास्ट में 4 आना चाहिए था, इतना mm ऑफ HG दोनों का निकल गया। ठीक है, अब फिर से सेकंड पार्ट में चल जाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें बोला था कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेज इन हवा, मतलब एक्स चाहिए अपने को, तो पहले ऑक्सीजन के लिए लगाते हैं।
ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना आया था 1520 1520 mm में, KH कितना है ऑक्सीजन के mm में 3.3 × 10⁻⁷, तो यहाँ से अपना x आ जाएगा, ठीक है। तो x क्या होगा 1520 ÷ 3.3 × 10⁻⁷। देखिए 3.3 ना एक बहुत अच्छा नंबर होता है, सबको पता होना चाहिए कि 10/3 3.3 होता है, तो इसको ना अपन 10/3 लिख दो, ये है 10 ÷ 3, 3 ऊपर चल जाएगा, × 10⁻⁷, 10 गया तो 152 × 3। तो इस बार कम से कम अपने को कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन का इक्वेशन या फिर कैलकुलेशंस, राइट। 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, 456 आ रहा है अपना, ठीक है, × 10⁻⁷, 4.56 किसी को लिखना है तो 10⁻⁵ हो जाएगा, ठीक है। तो मोर और लेस यही आंसर है, तो 3.33 होता है 10/3, तो अपन अप्रॉक्स कर लिए, तो ये थोड़ा सा छोटा है 3.33 से, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 461 आंसर है या 4.61 × 10⁻⁵, तो एक ही बात है, हम जो निकाल रहे हैं वो भी सही है हमारा तकनीक भी, ठीक है। सिमिलरली क्या N2 निकाल सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर ऑक्सीजन पता चल गया है सॉल्यूशन में तो 1 - ऑक्सीजन वाला मोल फ्रैक्शन कर देते हैं तो N2 निकाल देते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है सॉल्यूशन में और भी तो गैस होगा, हवा में और भी तो गैस होते हैं, 1% एक्स्ट्रा गैस भी तो होते हैं, है ना, हो सकता है वो भी सॉल्यूशन के अंदर हो, तो उसका भी कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, तो तीनों का मोल फ्रैक्शन मिला के 1 होगा ना, तीसरा गैस भी अगर है तो हमें पता ही नहीं है दो ही गैस है कि 2 से ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कर सकते। इससे बेटर है कि अपना वही नॉर्मल टेक्निक करो, एक्स ऑफ N2 क्या होगा इस बार फिर से, प्रेशर ऑफ N2 जो इतना आया था डिवाइडेड बाई KH ऑफ N2 जो इतना आ रहा है, ठीक है, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा ये। वैसे तो अगर डायरेक्ट बोले तो 1000 लग रहा है आंसर होगा, है ना, बट मतलब 6 × 1000 ये होगा, बट 1000 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए क्योंकि 6.5 है, तो ये आंसर अपना आता है 9.22 × 10⁻⁵, ठीक है, यही अपना आंसर है। होपफुली समझ में आएगा। कॉन्सेप्चुअली अपने को एक चीज़ बस यहाँ समझना है कि जो थर्ड पार्ट में अपना जो काम करते हैं ना, ये अपना डाल्टन्स लॉ है, इस चैप्टर से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये हवा का कैलकुलेशन चल रहा है, एयर में क्या क्या चीज़ें हैं उसको कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बस ध्यान रखने का चीज़ है, बाकी यहाँ से अपना इस चैप्टर का शुरू होता है, सेकेंड पार्ट इज़ मोर लाइक दिस चैप्टर, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबडी, बाय बाय।